प्लेटफॉर्म है ये सबको पता है ना तिवारी जी। हाँ तीनों नए बंदे आरबीआई और देख तीनों नए हैं वो भैया मालिक। ये क्या है प्लेटफॉर्म? दिमाग हर जगह जहाँ कहीं भी हो वहाँ से वापस यहाँ ले आओ पहले। प्लेटफॉर्म, फुट स्विच, एक्सीलेटर कोई नहीं बोलेगा, फुट स्विच। इसका रोल क्या है बताओ? जब कभी भी मशीन को ऊपर से ऑन करोगे, स्टार्ट करोगे ना, तो कोई भी फंक्शन काम करने के लिए इसको ऐसे दबा के रखना पड़ता है, ठीक है जी? समझ गए? काम एक्सीलेटर का ही करता है, लेकिन वो इनेबल बोला जाएगा, बस इनेबल स्विच समझ लो, लेकिन उसका नाम फुट स्विच है, काम इनेबल का है उसका, ठीक है? ठीक है। और दूसरी चीज ये क्या है? ड्राइव जॉयस्टिक, ध्यान यहाँ होना चाहिए। वो क्या है? ड्राइव जॉयस्टिक, उससे मशीन चलती है और कटिंग होती है। ये क्या है? स्विंग जॉयस्टिक, इससे मेन बूम उठता है और स्विंग होती है मशीन, ठीक है? क्रिप स्विच है फंक्शन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, बाकी जितनी स्विचेस हैं वो फंक्शन स्विच है, टोगल स्विचेस के नाम है। एवं जैसे स्विच आपको पता ही है ना एक बार, बाकी ऐसे आते रहो वहाँ तक चलते रहो। अब ये वाले पार्ट का हो गया क्या? प्लेटफॉर्म ना, ये स्विच ड्राइव जॉयस्टिक जानते ही थे, इमरजेंसी स्विच जानते ही थे, ये क्रिप स्विच क्या? ये क्रिप स्विच, ठीक है? ये स्विंग जॉयस्टिक, ये थी ड्राइव जॉयस्टिक, ये कौन सी जॉयस्टिक बोलते हैं? स्विंग जॉयस्टिक, ठीक है? आप इधर आ जाओ तो ये क्या जिप है? जिप यही है, जिप यही है, ठीक है? ये जिप है, ये मेन बूम है, मेन बूम के अंदर से जो निकलता है उसको टेलीस्कोप बोलते हैं क्या? टेलीस्कोप, ठीक है? इसके बाद नीचे वाला जो बूम है वो है टावर बूम, टावर बूम से जो निकलेगा बेटा वो है टावर टेलीस्कोप। मेन बूम से अगर निकल रहा है तो मेन बूम टेलीस्कोप, और टावर बूम से निकल रहा है तो टावर बूम टेलीस्कोप, ठीक है? ये वाले बोलते हैं अपराइट, क्या? ठीक है। बैलेंसिंग सिलेंडर तुमने पहले देख रखा है, बैलेंसिंग सिलेंडर, स्टीयरिंग सिलेंडर सब तुमने पहले देख रखा है, वही है सेम। बस जो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ये तुम्हें अब बाकियों में फिर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है? बोलो फिर, ये मेरा काम है, बोलना ही नहीं आया तुम्हें अभी तक, गर्म मैं थोड़ी ठंडी होने दो, इसे चालू मत करियो। डीजल टैंक देख लिया, हाइड्रोलिक टैंक, ठीक है? हाइड्रोलिक टैंक, हाइड्रोलिक गर्म, कब से चला रहे हो यार इसे? अरे सर जी मैं देखता हूँ, आए जल्दी ले ले, अपर कंट्रोल बॉक्स चलाना है तो ये सारी चीज सबको पता है। जी सर, स्विचेस सारे बने हुए हैं, एरो बना हुआ है, देखो ध्यान से, ये इसी से स्टार्ट होगी, इसी से स्टार्ट होगी, अब फिर इसी को नीचे कर लेंगे, देखो अल्लाह खुल रहा है इनेबल, जब मशीन ऐसे दबा के रखेंगे स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर इसको नीचे दबा के रखेंगे फंक्शन करने के लिए। फिर ये देखो जिप, जिप अप के लिए है, मेन बूम अप के लिए है, टावर बूम अप के लिए है, टावर टेलीस्कोप के लिए है, मेन बूम टेलीस्कोप के लिए है, ये प्लेटफॉर्म का वो बैलेंस अगर नहीं लेवल अन लेवल के लिए है ये, और ये प्लेटफॉर्म रोटेट के लिए है, उसको स्विंग नहीं बोलते, उसको रोटेट बोलते हैं, क्योंकि वो 180 डिग्री होता है, और ये जो है 360, तो इसको स्विंग बोलते हैं 360 वाले को। मशीन तुम्हारी जो पूरी मशीन है ये चारों तरफ घूम जाती है, ठीक है? लेकिन प्लेटफॉर्म 180 घूमता है ना, वहां जाके फिर वापस आ जाता है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ फिर से बता दूं। हो गया। देखो ये है जिप प्लेटफॉर्म के तुम्हारे लेवल अन लेवल के लिए, वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो गया, ये उसके रोटेट के लिए, ठीक है? ये मेन बूम टेलीस्कोप। अब इसमें बूम लिंग में रूल क्या होता है पता है? सबसे पहले जिप उठाते हैं क्या? जिप सबसे पहले जिप उठाते हैं, उसके बाद में सबसे पहले जिप उठाते हैं, जिप के बाद में थोड़ा सा मेन बूम उठाते हैं, फिर जैसी तुम्हारी सिचुएशन है काम की वो उस हिसाब से, ठीक है? कि तुम्हें हाइट में ले जाना है तो बूम पूरा खड़ा करोगे पहले, अगर लंबाई का काम है, चौड़ाई भी उसका काम है, आउटरीच का काम है तो टेलीस्कोप निकालना शुरू कर दोगे, समझ गए ना? उसके बाद टावर बूम जो है, टावर बूम जब पूरा फुल उठ जाता है इसका, तभी टावर टेलीस्कोप निकलेगा। ये रूल जो को याद नहीं रहेगा वो जिंदगी में फेल हो जाएगा, कई बार फेल होगा कोई भी टेलीस्कोप। 600 में सिर्फ 600 में 600 एजे में 600 एजे और 800 एजे दो मशीन ऐसी हैं जिनका टावर बूम जब पूरा खड़ा हो जाएगा, जीरो आके एकदम बंद हो जाएगा, जैसे वैसे उठाते उठाते जब दबाए रहो फिर भी बंद हो गया आके, तब जब उसका टेलीस्कोप निकालोगे तभी निकलेगा ये वाले अपन, नहीं तो नहीं निकलेगा। और जब तक ये फिर पूरा अंदर नहीं हो जाएगा तब तक ये डाउन भी नहीं होगा, समझ गए? वो करते करते आ जाएगा, अभी जितना समझ रहे हो उतना समझो, अभी रिकॉर्ड कर रहा है शायद, तो ये दोबारा फिर से सुनते समय इनको सबको दिखाते भी रहना, क्लियर? अभी चलाने से ज्यादा तब तक ठंडी भी हो जाएगी,
मैंने फॉल्ट सबको बताया ना, मैंने फॉल्ट सर जी सर, ये है तुम्हारी इमरजेंसी मोटर, इमरजेंसी मोटर, इमरजेंसी कैसे काम करती है दिखाऊं? देखो अब आप स्टार्ट नहीं करूंगा, बिना स्टार्ट किया इसको जो है इनेबल कर दूंगा। अब देखो ठीक है जी सर जी, हाँ ना ना क्लियर है ठीक है। इन सबसे तो मतलब मत रखा, जो इको अलार्म लास्ट में लिखवाया था ना बजर जिसको बोलते जो साउंड करता है हॉर्न दिख ही रहा है वो वाला, तुम्हें फिल्टर तुम्हें बताया ही हूँ, रिकवरी फिल्टर जो है जी। रिकवरी फिल्टर बताया हूँ, वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना उसमें एक शीशा दिख रहा है ग्रीन कलर का, दिख रहे हो? यस सर। उस अगर स्टार्ट करने के बाद भी ग्रीन है मतलब ये फिल्टर तुम्हारा सही है ठीक है। अगर स्टार्ट करने के बाद ये येलो हो जा रहा है तो फिल्टर चोक होने वाला है, रेड है समझ लो फिल्टर चोक हो गया। फिर अगर कोई फंक्शन फंस रहा है ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑयल नहीं जा पा रहा है या पावर नहीं मिल रही है ठीक है, उसका मतलब ये है कि फिल्टर तुम्हारा चोक हो गया, सप्लाई बराबर नहीं दे रहा है। क्लियर जी सर। फिर से पूछेगा, अभी कई बार बताऊंगा हलवड़ा दी है, मैं सोच रहा हूं आज एक ही बार होगा, कल भी बताऊंगा परसों भी बताऊंगा, घबराना मत। हां मैं 15 बार बताओ, फिर बताओ सबको बताओ, जल्दी आओ पूरा बताओ, पूरा बता दी इनको। हां तो ये भी है, बताओ पूरा टोटल बताओ आराम से भाई, आराम से वहां से शुरू करो, वहां से ड्राइव पंप से इधर से शुरू कर देते हैं ना ठीक है। तुम्हारा क्या है कोई बात नहीं सर, पूछने दीजिए ना ठीक है सर। इससे क्या काम होता है रेडिएटर का पता है? इंजन को कूल करना, इंजन को नहीं ठंडा करता है, इंजन ऑयल को ठंडा करता है। इंजन ऑयल को ठंडा करता है। सीजर के पास बताया था उस दिन, सोल भांग भी था कुछ बता दे, इंजन ऑयल को ठंडा करता है ठीक। ये रेडी वाटर नाम तो है लेकिन इसमें पानी नहीं होता ना कूलेंट होता है, इंजन ऑयल ही इसमें आता है और एयर के थ्रू ठंडा होकर फिर से इंजन में चला जाता है, समझ गए? तो ये क्या करता है, इंजन ऑयल को जो है ठंडा करता है। आगे चलो, इसका क्या काम है यांत्रिक ऊर्जा को करंट में परिवर्तन करता है ठीक है, वेरी गुड। अल्टरनेटर का काम बेसिकली यही है, मशीनों में बैटरी को चार्ज करता है ठीक है। बाकी का प्रोसीजर जो है वो मैं बाद में बता दूंगा कि कितना वोल्टेज का आप कैसे क्या। ये क्या है तुम्हारा सेल्फ, जिसको स्टार्टर बोलते हो, स्टार्टर स्टार्टर बोलो चाहे सेल्फ बोलो चाहे जो बोलो ठीक है। बैटरी है, बैटरी कितनी वोल्टेज की है इसमें? 12 वोल्ट की है क्योंकि वो इंजन स्टार्ट करने के लिए और एक्सेलरेटरी के लिए मतलब इमरजेंसी के लिए ठीक है, दोनों इसी बैटरी से यूज होता है इसमें, इसी से इमरजेंसी भी होती है और इसी से स्टार्ट भी होता है। क्लियर? ये तो मैंने क्लास में भी एक दिन बता दिया, तुम लोग भी सुन लो क्लियर ठीक है। अब ये बाकी पूरी इंजन असेंबली है, ये तुम्हारा गेज है इंजन ऑयल नापने का ठीक है, गेज तुमने लोगों ने पहले भी देख रखा है ना, आगे देख लेना। ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर है, 15 दिन में एक आध बार क्लीन कर लेना चाहिए अगर धूल धुआं वाली साइड है तो, नहीं तो महीने में करना ठीक है भाई, हफ्ते में 15 दिन में एक बार। अरे यार कोई करते नहीं, हम जानते हैं आलसी होते हैं, ज्यादा बताएंगे आलसी होते नहीं ठीक है। ये क्या है? आइसोलेट। बैटरी को सेफ रखता है, अगर कई दिन काम्बू खड़ा करना होगा तो कई दिन खड़ा वाला मतलब नहीं है, काम करने के बाद। आइसोलेटर का मतलब है बैटरी को जब हम इसको कट ऑफ करते हैं बैटरी को आइसोलेट मोड में रखकर देती है, उसका कनेक्शन हर एक इंसान के साथ कट जाता है, सिंपल भाषा समझो, फंक्शन बंद कर देता है सर जी। अभी ये सर आइसोलेट है, अभी इमरजेंसी ऑफ है, फंक्शन तो अभी भी बंद है लेकिन पावर हर जगह जा रही है ठीक है, हर जगह जा रही है लेकिन यहाँ इसको आइसोलेशन मोड में डाल दिए तो बैटरी के पावर अब यहाँ से कहीं नहीं जा रही, कहीं कुछ तो सर ये अभी बंद है, अब ऑन है ठीक है जी सर। ये क्या है तुम्हारी? ये है तुम्हारा पंप, हाइड्रोलिक पंप ठीक है, तुम्हें से पूछ ही रहा हूँ, खींच क्यों रहे हो, तुम्हें फंसा दूँ सबके सामने? नहीं सर। ये क्या है, ये क्या है? जति नहीं होती इस लाइन में, कभी ये मत सोचना, हम जूनियर से सीखते हैं सीनियर से, इसका मतलब तो पता है, हड्डी तोड़ दूंगा मैं, ये यार्ड है कहीं अगर किसी को चोट आ गई ना नुकसान होगा, इसको नहीं ट्राई मानना क्योंकि बिल्कुल नहीं, नहीं तो अगर कोई टूट फूट गया कुछ हो गया तो मैं नहीं जानता, उससे अपने आप फंक्शन हो जाता है बता दे रहा हूँ, इसलिए ट्राई मत करना, कब कौन फंक्शन हो जाएगा ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब इसका निपोरा जब बाहर खींच लेते हैं ना, बोल्ट लगा लेना, वो कहाँ है इसका डंडा है सर, ये कहाँ है? चलो बाकी अंदर का तुमने जैसे उस इंजन में देखा है ना वैसे ही फ्यूल पंप
मैनुअल पंप होगी या तो इलेक्ट्रिक पंप होगी, दो में से कोई एक होगी। जी क्लियर। ठीक है सर। टायर कौन सा है ये? लिक्विड बॉम। आप देख रहे हो ड्राइव कितने हैं, टायर कैसे फ्री होते हैं पता है ना? टायर फ्री करो क्या करोगे? टायर फ्री हाँ उसकी एक बीच में सर जी चार बताया ही नहीं हो अभी तक, फिर भी तो बीच वाला वो सर एक बोल्ट रहा था ये उसको। दोनों इसको इसको खोलेंगे, ढकेल दोगे क्या यार? पर क्या रहे हो दीपक? ये दोनों बोल्ट खोलेंगे, ये खोलने के बाद में ना ये जो इसकी टुड्डी है ना इसको पलट के टुड्डी अंदर की तरफ दबा के फिर से ये बोल्ट लगा देंगे, टायर शुरू हो गया। समझ गए? तभी करते हैं जब ऐसी सिचुएशन आ गई होगी जैसे खींच खाच के या धक्का देके साइड कर रहा हो तभी, लेकिन उस समय ध्यान रहे अगर चारों टायर हम फ्री कर रहे हैं तो हाथ में लक्कड़ वगैरह कुछ बड़ा सा होना चाहिए एक आदमी को, कि अगर नहीं तो ढलान स्लिप आ गई तो रुकेगी थोड़ी, फिर उसके सामने फेंक देना चाहिए ना। जी सर सही है, बाकी ऐसी सिचुएशन आती नहीं टायर फ्री करना पड़े, लेकिन हम बता दें। क्लियर? ठीक है सर। चलो एक बार एक काम करो, सही है ना, सेंड कर या मुझे दे देना पैसे।